हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 बायोलॉजी एंड इट्स बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल और प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है ना। और उसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का चल रहा था, लास्ट टॉपिक हम लोगों का चल रहा था टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक के टूल्स। और हम लोगों का बेटा लास्ट टूल बचा है कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है। आज हम लोग बात करते हैं बेटा क्या है कॉम्पिटेंट होस्ट। सबसे पहले मैं बात करूँ आप लोगों का होस्ट, होस्ट क्या है बेटा, एक प्राणी, एक चैप्टर, ठीक है, जो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को, क्या कर रहा है बेटा, वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि एक्सेप्ट कर रहा है, ओके। अब उसने एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्ट करने के केस में क्या आया, सुनिएगा मेरी बात, वो क्या कर रहा है कि बाहर के किसी पार्टिकल को क्या कर रहा है बेटा, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है कि माना कि कोई होस्ट है, ठीक है, डीएनए का पार्टिकल बेटा लार्ज है तो होस्ट का पोर साइज इतना है, हमें क्या करना है, इस होस्ट को कॉम्पिटेंट कराना है, यानी कि योग्य बनाना है कि वो इस डीएनए के पार्टिकल को अपने अंदर ले ले, क्लियर है। तो सुनिएगा, डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, डीएनए मीडिएटेड मतलब जिसमें आप लोग डीएनए को ट्रांसफर कर रहे हो, जीन को डीएनए में ट्रांसफर कर रहे हो, और वेक्टर मीडिएटेड डीएनए ट्रांसफर, यानी कि ठीक है काफी जगह तो हम लोग क्या करें डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर करते हैं, लेकिन वेक्टर मीडिएटेड अगर वेक्टर का यूज करके, यानी आप लोगों को क्या करना है वेक्टर प्लस डीएनए दोनों को मिलाकर अगर होस्ट में डालना है तो होस्ट के अंदर आप लोगों को कॉम्पिटेंसी जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर और वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर द कॉम्पिटेंट होस्ट इज असेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसमें कॉम्पिटेंट होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर है, क्लियर है ना बेटा, ओके। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन वो एक प्रोसेस है जिसमें आप लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, यानी कि ए प्रोसेस बाय विच जिसके द्वारा सेल टेक अप द नेट डीएनए, सेल जो वो किसी भी नेट डीएनए को, यानी कि किसी भी डीएनए को ले रही है अपनी बॉडी में फ्रेगमेंट फ्रॉम द एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट में यहां पर बेटा कोई एयर नहीं है, एनवायरमेंट मतलब उसके सराउंडिंग से, यानी उसके आउटसाइड से, ठीक है ना, इनकॉर्पोरेट इनटू इट्स, यानी कि जो उसके अंदर आ जाता है उसके अंदर डाला जाता है, ठीक है ना, ओन क्रोमोसोम, यानी कि सेल ने क्या किया, सुनना मेरी बात, माने इस सेल ने, इस सेल का खुद का डीएनए, इसने क्या किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लिया, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या करेगा, इसके अंदर इनकॉर्पोरेट उसके खुद के डीएनए में, सेल के डीएनए में क्या हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, उसके डीएनए में क्या हो जाएगा बेटा, जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा, क्यों जरूरी है, ताकि आगे तभी तो वो उसके डीएनए में, जब सेल के डीएनए में वो जाएगा, होस्ट के डीएनए में जब वो जाएगा तभी तो बेटा वो आगे चलकर क्या करेगा, खुद अपनी कॉपीज बना पाएगा, ठीक है ना। हमें पता है कि हमें किसी जीन का क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो हमें प्रोडक्ट बनवाने के लिए उसी जीन को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, क्लियर है ना बेटा, क्लियर है, ओके। देन आगे बात करते हैं, सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। अब फाइनली एक्सप्रेस द ट्रेट, ट्रेट बेटा होता है कैरेक्टर, ठीक है, एंड कंट्रोलिंग बाय द इनकमिंग डीएनए, ठीक है ना। अब कैरेक्टर की बात करें तो माना कोई डीएनए ए है, ये बी टाइप की प्रोटीन बना रहा है, हमें तो ये बी प्रोटीन ही चाहिए, तो ये ए डीएनए जो अंदर आएगा तभी, अब यहां पर आकर अपनी कॉपी बनाएगा तभी तो प्रोटीन बनेगी बी, ओके। तो प्रोटीन बनाने के लिए, यानी कि एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप को उसको रिक्वायरमेंट होती है क्या, होस्ट के जीनोम में इनकॉर्पोरेट होने की, क्लियर है ना, ओके। अब बात कर रहे हैं आगे कि कौन सा मेथड है मेन मेथड जो आप लोगों का कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने का, वो फर्स्ट मेथड है। इसमें क्या करते हैं आप लोग, सेल को हीट ट्रीटमेंट देते हो पहली बार। अब हीट ट्रीटमेंट में क्या करते हो, सुनिएगा मेरी बात, आपको आप जो है वो होस्ट सेल है उसको क्या करते हो, कैल्शियम आयन के सोल्यूशन में डाल देते हो, ठीक है, गर्म करके कैल्शियम आयन के सोल्यूशन में डाल दिया, फिर आप लोगों ने क्या किया उसको आइस का ट्रीटमेंट दिया, दोबारा उसने उसको हीट दिया 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो ये हीट का ट्रीटमेंट क्या करेगा, सेल की जो सेल वॉल है उसके पोर का साइज जो है, पोर साइज को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है, सुनिएगा देख, कैल्शियम इंक्रीज द एफिशिएंसी विच विद विच, यानी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है विद विच डीएनए एंटर द बैक्टीरियम सेल वॉल पोर्स, ठीक है ना। अब उस एफिशिएंसी को पोर करेगा, माना पहले पोर इतना छोटा था, अब सेल ने क्या किया, इतना बड़ा पोर बना लिया। अब इजीली जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, वेक्टर प्लस डीएनए, यहां ये वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर की बात कर रहा, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा, वो ये चार मेथड अलग से हैं, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर ये भी डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है।
तो इसने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर इंसर्ट करा दिया। भाई सेल के पोर बढ़ गए, और सेल के पोर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है डीएनए क्या कर जाएगा, अंदर एंट्री कर जाएगा। क्लियर है? अब आता है डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड। हालांकि आपके एनसीईआरटी में इसमें दो ही दिए हुए हैं, क्लियर है ना, लेकिन हम लोग चार को पढ़ेंगे। पहला है डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड के अंदर, ठीक है, वेक्टर रिलेटेड में तो आप लोग इस तरीके से करते हैं। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड यहां पर बेटा कॉम्पिटेंट होस्ट की रिक्वायरमेंट बहुत रेयर चांस की होती है। पहला आता है आपका माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, ये सिर्फ लास्ट पीएमटी का बेटा क्वेश्चन है, लास्ट पीएमटी एग्जाम का क्वेश्चन है कि ये मेथड किसके लिए। तो ये मेथड बेटा एनिमल सेल के लिए यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? क्योंकि एनिमल सेल के अंदर आप लोग बायोलिस्टिक गन यूज करोगे, अभी आगे आएगा बायोलिस्टिक मेथड, तो वो एनिमल सेल जो है वो उसको सेंड नहीं कर पाती, ठीक है। इसमें आप लोग क्या करते हैं बेटा, माना ये एनिमल सेल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये इसका न्यूक्लियस है। हम लोग क्या करते हैं, एक इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्टली डीएनए को न्यूक्लियस में इंजेक्ट कर देते हैं। माइक्रो मतलब बहुत छोटे लेवल के पर। अब न्यूक्लियस क्या छोटा है, न्यूक्लियस क्या छोटा है, आप लोग क्या करें डीएनए को डायरेक्टली न्यूक्लियस में इंजेक्ट करा दें, इनकॉर्पोरेट करा दें। माइक्रो इंजेक्शन इसमें काम में आता है एनिमल सेल के अंदर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक वर्ड आता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के फॉर्मेशन में काम आता है, ठीक है। ट्रांसजेनिक वर्ड आया नया, ट्रांसजेनिक, ट्रांस होता है बेटा ट्रांसफर, जेनिक होता है जीव, यानी कि कोई भी नया जो जीव है वो जीन ट्रांसफर से बना, ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रोपोरेशन, हालांकि आपके एनसीईआरटी में बेटा ये डिस्क्राइब नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आप लोग क्या करते हो, डीएनए को आप लोग सेल को आप लोग क्या देते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो, क्या देते हो, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उसका चार्ज बढ़ा दे। माना कि होस्ट सेल है, यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, और डीएनए क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देंगे, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज दे देते हो, जिससे क्या है कि डीएनए इजीली इनकॉर्पोरेट हो जाता है। इसे आप लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रोड के थ्रू, यानी इसमें क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ डीएनए इन द चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, क्लियर है। फिर केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड, ये भी आप लोगों का पैक मेथड है, पैक बेटा पीने वाला नहीं, यहाँ पर एक केमिकल काम किया था पॉली इथाइलीन ग्लाइकोल, ये भी आपका एनसीईआरटी में नहीं है, हालांकि इसका केवल नाम है इलेक्ट्रोपोरेशन का, पॉली इथाइलीन ग्लाइकोल मेथड, ठीक है, क्लियर है। अब पॉली इथाइलीन ग्लाइकोल क्या करता है, सेल की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, क्लियर है ना बेटा। ये सेल वॉल के अंदर नॉर्मली आपका जो पॉलीपेप्टाइड है, आप लोगों का जो आपका जो फॉस्फोलिपिड्स है, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को दूर करके पोर साइज बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है आप लोगों का नॉर्मली कि डीएनए जो है वो एंटर हो जाता है, पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल, ठीक है। लास्ट आता है इंपॉर्टेंट है बेटा बायोलिस्टिक, ये किसके लिए यूज में होता है, प्लांट सेल में। इसमें आप लोग क्या करते हैं, गोल्ड का पार्टिकल लिया, डीएनए को उससे कोट कर दिया, गोल्ड या टंगस्टन लिया, तो उसमें गोल्ड काम में लेते हो या टंगस्टन तक भी, ठीक है। और इसको क्या किया आपने, जीन, एक जीन गन आती है, एक गन आती है बेटा, ठीक है, गन के थ्रू आपने क्या किया, इसको डायरेक्टली इंजर्ट करा दिया, किसमें, प्लांट सेल में। अच्छा, तो प्लांट में बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड यूज होता है, एनिमल में क्यों नहीं, क्योंकि बेटा यहां पर जो डीएनए की वेलोसिटी है, डीएनए की जो वेलोसिटी है, डीएनए का जो वेग है वो इतना हाई होता है, अगर हम लोग एनिमल सेल में यूज में लेते हैं, एनिमल सेल में बेटा सेल वॉल नहीं होती, और सेल वॉल हम लोगों ने पढ़ा है क्या होती है, रिजिड लेयर होती है, ठीक है ना। तो सेल वॉल तो क्या करती है, इसे सपोर्ट कर देती है, ठीक है ना, ये पीछे सेल वॉल है, ये सपोर्ट करती है, तो ये जो डीएनए डायरेक्ट न्यूक्लियस में रहता है। लेकिन एनिमल सेल की बात करें, सेल वॉल नहीं है तो ये क्या करेगा, सेल को क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ड्यू टू हाई वेलोसिटी, ओके। तो ये हो गया आप लोगों का क्या, कॉम्पिटेंट होस्ट कंप्लीट, ठीक है, थैंक यू।